भाई मैं तो पानी में से नहीं जाने वाला, बिकॉज मैंने अभी शूज़ चेंज नहीं किए हुए तो मैं साइड से निकल गया। तो अभी हम जा रहे हैं पैंगोंग लेक। बेसिकली रोड थोड़ी ख़राब है यहाँ पे, एंड कल निकलेंगे पैंगोंग से जम्मू की ओर। मीन्स जम्मू नहीं करेंगे, जम्मू के रास्ते तक जहाँ तक पहुँच पाएंगे शाम तक वहाँ तक कवर करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेसिकली हम लेह से मैप पे सर्च कर रहे थे पैंगोंग, सॉरी नूबरा वैली, तो 180-200 समथिंग कुछ हो कर रहा था, बट जो एक्चुअल है दैट इज़ 120-130 किलोमीटर्स लेह से नूबरा। एंड देन नूबरा से अगर आपको पैंगोंग जाना है 180-200 किलोमीटर्स है, तो ये आपको मैप पे नहीं दिखेगा ना ही गूगल पे। तो हमें प्रॉब्लम आई, मैं नहीं चाहता कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम आए। ये देखो छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग्स आने हो गई हैं शुरू, ये छोटी छोटी सी हैं। एंड मैंने शूज़ अभी बेसिकली वो वाले नहीं पहने हैं, वाटरप्रूफ वाले अभी, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से चल रहा हूँ भाई, क्योंकि ये शूज़ अगर गीले हो गए तो सॉक्स गीली, अगर सॉक्स गीली तो समझ लो ठंड में सॉक्स गीली हो जाएगी तो क्या होगा। सो छोटी सी वाटर क्रॉसिंग्स देख रहे हो भाई, पाँव नहीं लगाना मैंने नीचे, पाँव लग गया ना तो फिर हो गया कांड। सो भाइयों देख रहे हो कितना डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार। तो अभी हम आई थिंक 120 किलोमीटर्स का ट्रैवल करना है, वहाँ से ट्रैवल करके पहुँचेंगे पैंगोंग। एंड ये देखिए पानी पानी जमा हर एक जगह पे। सो मेरे को किसी ने बोला था कि यहाँ पे पानी कुछ जगह पे ज़्यादा भी है तो ध्यान रखिएगा। तो कुछ लोगों ने बोला बिल्कुल साफ रोड है, तो अब आपको मैं ही बताऊँगा कि क्या एग्जैक्टली है इस रोड पे। तो जो नूबरा वैली है वो तो ठीक है, बट उसमें जो रोड है बीच में वो थोड़ी ख़राब है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी जगह पे पानी जमा हुआ है, और कलर भी पानी का डिफरेंट ही है। सो भाई साहब रोड देखो, बेसिकली रोड तो ठीक है बट ऊपर पहाड़ियाँ हैं, देख रहे हो ऊपर बिल्कुल सिर के ऊपर ही है, तो बस ये चीज़ डराती है थोड़ा बहुत, बाकी सब ओके है यार। सीधी रोड हो जो मर्जी हो चलेगा, बट लैंड स्लाइडिंग का तो डर रहता ना कि एकदम से पत्थर ना गिर जाए, तो वो चीज़ है, बाकी सब कोई टेंशन नहीं है। सो भाई साहब वाटर क्रॉसिंग देखो, मैं साइड से निकलूँगा भाई, करना चाहता हूँ वाटर क्रॉसिंग लेकिन यार क्या करूँ, शूज़ दूसरे हैं और रिस्क क्यों लेना यार, घर से दूर है, यहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथों में भाइयों, चलो ये वाली छोटी मोटी चल जाती है। सो देख रहे हो कितना आगे जाना हो रहा है, अभी चुके हैं नियर अबाउट 30-35 किलोमीटर्स। एंड बीच बीच में रोड ख़राब है, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत, एंड ज़्यादातर है कि पहाड़ों से थोड़ा बच के रहेगा क्योंकि बीच बीच में पत्थर गिरे हुए थे। तो बाकी एक दो वाटर क्रॉसिंग आएंगी, बाकी आप देख ही सकते हो सामने, तो वहाँ पे पानी है और यहाँ पे रोड है और ऊपर पहाड़ है। सो भाई साहब रास्ता देखो, रास्ता थोड़ा बहुत खराब भी है, जी मत सोचेगा कि सारा रास्ता सही है। लैंड स्लाइडिंग भी हुई हुई है अच्छी खासी यहाँ पे यार, तो जल्दी लैंड स्लाइडिंग वाली जगह पे कभी मत रुकिएगा, वहाँ से निकलने वाली बात करनी है हमेशा। जो इससे दूसरा वाला रास्ता था उधर तो बहुत बुरी हालत है यार, वहाँ पे तो जो आते हुए रास्ता आपने देखा होगा वीडियो में, वो वाला रास्ता बिल्कुल ही बेकार है। इधर से जाओ ना तो उधर भी है, तो भाई रोड कितना ख़राब है, कम से कम अगर यहाँ पे ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग है यार, बाइक होगी गर्म बार बार, यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है कहाँ पे वाटर क्रॉसिंग नहीं है, ये भी अजीब और गरीब बंदे हैं।
रब्बा। चलो फिर यहाँ पे ज्यादा वाटर क्रॉसिंग है, वहां पे थोड़ी सी थी। मैं साढ़े से जा रहा तो भाई होगी हमारी वाटर क्रॉसिंग, देख लो भाई। देखो ये कैसा जानवर है मुझे नहीं मालूम, एंड हमें ये भी नहीं मालूम ये काटता नहीं काटता। देखो अच्छा ये इधर रहते हैं। तो गाइस इसका नाम है मरमुड तो ये हमारे जैसे जो खाना है वो नहीं खाता, ये सिर्फ घास खाते हैं। एंड देखो इनका बिल मैंने जैसे आपको दिखाया, ये भी काटते तो नहीं है। सो भाई एक चीज बताऊं, यहाँ पे पानी का कलर ही चेंज हो गया है ब्लू शेड में, उस साइड मिट्टी वाला है। सो बहुत जगह लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है तो बस इसी का खतरा है। पानी देखो यार, पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उस साइड वाला मिट्टी वाला पानी है। अब आगे जाके कहीं में मिलेगा देखते हैं। पत्थर उठा उठा के रख दिए एक के ऊपर एक और अभी गिर जाएंगे ऐसा लग रहा है भाई। तो गाइस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, 10 से 15 किलोमीटर रह गए तो अब आना वापस ले भी है, देखते हैं कहीं यही रास्ता पड़ा तो फिर रुकना पड़ेगा, अगर कहीं और से पड़ा तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, नहीं तो हम पहुंचने वाले, जैसे कि आप देख रहे हैं वहां पे पैंगोंग दिख रहा है यहां से, एंड बस बिल्कुल पास में पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं क्या खूबसूरती है पैंगोंग की। सो गाइस चेक करो व्यू यार सेक्सी, वो देखो पानी का कलर ही अलग है यार, ब्लू कलर की शेड है और सामने देखो वाओ अमेजिंग, बहुत प्यारा लग रहा है पैंगोंग लेक, सामने दिख रहा है आपको कितना प्यारा है भाई। कलर देखो पानी का यार, वो देखो बोटिंग भी है यहाँ पे, के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, एक दिन में बहुत ट्रैवल किया है अभी और भी करना है। ऐसा लग रहा है समुंदर है, वेव्स आ रही है, देख रहे हो वेव्स, वाओ अमेजिंग यार सीरियसली। हाँ अगर ले आए और ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा यार, ये फैक्ट है। पहले मैं भी नहीं आ रहा बिकॉज मुझे रास्ता किसी ने बुलाया खराब है, बट एडियन पता लगा कि सही है यार। देखो वेव्स 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 ब्लू बीच में है, बिल्कुल सेंटर में देखो पूरा ब्लू कलर का शेड है यार। सो देख लो भाई नज़ारे, ये सही मनोरंजन। बाइक तो नहीं जा सकती यहाँ से, नॉट पॉसिबल। पहुँच गया फाइनली हम पैंगोंग लेक, देख सकते हैं दूर दूर तक ये स्कूटर मिल जाएंगे आपको बैठने के लिए, ये भी मिल जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको ये सीटिंग, वो देखो समुंदर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, तो ठंड भी बहुत हो गई है। तो नीचे जाके दिखाता हूँ वेव्स देखो कैसी आ रही है, जैसे समुंदर में होती है ना सेम टू सेम वैसी फीलिंग है। ये देखो भाई साहब अब बोलो बैक एंड, देखो वेव्स देखो दूर से दिखाता हूँ वेव्स सारी, दूर से दिखाता हूँ सारी, देख लो भाई सब। ये जो लेक है ना ये 30% हमारे इंडिया में है एंड 70% जो है वो पाकिस्तान में है, तो
तो चेक कर सकते हो आप, सामने बर्फ भी गिरी हुई है, चेक करो भाई। सो गाइस चेक करो यार, चेक ही करते रहो बस। ये देखो ये ऐसा है कि समुंदर है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जम्मू में, जम्मू के पास है पठानकोट, वहाँ पे है पुरथू जिसको बोलते हैं मिनी गोवा। सो वहाँ पे भी एक तरह समुंदर वाली फीलिंग आती है, यहाँ पे भी वही फीलिंग आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं समुंदर के किनारे में जैसे वेव्स आती है ना, सेम वेव्स यहाँ पे आ रही हैं। एंड पानी जो है ना बहुत ठंडा है और क्रिस्टल क्लियर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के, देख सकते हैं आपको नीचे जितने पत्थर हैं वो क्लियरली दिख रहे हैं। और पानी भाई क्या ही बोलूं, ठंडा। ये देखो यहाँ का ट्रेडिशनल वेयर किया हुआ है, चेक कर भाई, चेक करो। यहाँ पे अगर आपने इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी है तो पर पर्सन 100 रुपीस, एंड अगर आपको इन चेयर्स पे या स्कूटर पे बैठना है तो आपको तब भी आपको 100 रुपीस देना पड़ेगा पर पर्सन। देख सकते हैं ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मिल जाएगा आपको। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।